नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सी है? एंगलर और प्रिंटल की क्लासिफिकेशन। एंगलर ने क्या क्लासिफिकेशन दी थी, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी क्लासिफाई किया था। इन्होंने क्या करा था कि जो मोनोकोट्स हैं उनको क्या करा था, प्लेस किया था डाइकोट से पहले। लेकिन अगर हम बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो बेंथम और हुकर ने क्या बताया था कि डाइकोट का ओरिजिन क्या हुआ था, पहले हुआ था। मोनोकोट का ओरिजिन क्या हुआ था, बाद में हुआ था। मतलब कि जो मोनोकोट है वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, डाइकोट से। लेकिन जो एंगलर था उसने इसके अपोजिट बताया, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले मोनोकोट ओरिजिनेट हुए हैं, फिर क्या ओरिजिनेट हुए हैं, डाइकोट ओरिजिनेट हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि जो गैमोपेटलस कंडीशन होती है वो मोर एडवांस टाइप की है देन दी पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस कंडीशन क्या होती है कि इसमें सारी की सारी पेटल्स कैसे होती है, फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होती है या फिर पार्शली फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और क्या होगा कि जो पॉलीपेटलस कंडीशन है वो कैसे टाइप की है, वो लेस एडवांस टाइप की है। मतलब वो कैसी कंडीशन है कि सारी की सारी पेटल्स कैसी है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर कैसा है, विदाउट पेरियंथ, जो कि कैसा करैक्टर है, एक प्रिमेटिव करैक्टर्स है। लेकिन जैसे जैसे पेरियंथ की फॉर्मेशन होती जाएगी वो क्या हो जाएगा, एक एडवांस करैक्टर होता जाएगा। तो ये जितने भी सारे ये स्पेशल पॉइंट हैं ये सारे क्या बताते हैं कि एंगलर ने सारी की सारी अपोजिट क्लासिफिकेशन दी थी, किससे, बेंथम और हुकर से। जितने भी बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स थे उन सबके अपोजिट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें किसने बताई थी, एंगलर ने बताई थी। जैसे एंगलर ने क्या बताया था कि जो मोनोकोट होते हैं वो कम्प्लीटली क्या करते हैं, एबोलिश हैं। एबोलिश का मतलब क्या है कि उनका रोल क्या है कि कम है, क्योंकि वो लेस डेवलप है। क्योंकि उन्होंने क्या बताया था कि जो मोनोकोट्स हैं वो क्या होते हैं, उनका ओरिजिन क्या हुआ है, पहले हुआ है, और डाइकोट का ओरिजिन क्या हुआ है, बाद में हुआ है। इसलिए उन्होंने जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी कैसी थी, अलग टाइप की। उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 13 डिवीज़न करी थी। 13 डिवीज़न क्या करी थी, सबसे पहले है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या है थैलोफाइटा, क्या मतलब होता है थैलोफाइटा का, बताओ थैलोफाइटा का क्या मतलब होता है। हाँ, क्यों, क्या होता है, किसके अंदर आते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, जैसे कि ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे इसके अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन कौन से पढ़े हैं आप लोगों ने, मार्केंशिया पढ़ा था। मार्केंशिया में क्या होता है कि डोर्सल और वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होता है लेकिन प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या बताया था कि जो सबसे पहले किसका ओरिजिन हुआ था, मोनोकोट का ओरिजिन हुआ था। ये मोनोकोट से क्या है कि 11 ऑर्डर हैं और 45 फैमिलीज प्रेजेंट है। तो ये सारी फैमिलीज क्या बता रही है, ये मोनोकोट की सारी करेक्टरिस्टिक्स को बता रही है। जैसे अगर हम मोनोकोट की स्पेशल फॉर्म में देखें, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक तो लिलिएसी फैमिली पढ़ी है और एक ग्रैमिएसी फैमिली पढ़ी है। ये दो फैमिली हम लोगों ने मोनोकोट के अंदर पढ़ी है। इसके अलावा डाइकोट की बात करिए तो डाइकोट के अंदर क्या है कि 45 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। मतलब सबसे पहले किसका ओरिजिन हुआ, मोनोकोट का ओरिजिन हुआ, फिर किसका ओरिजिन हुआ, डाइकोट का ओरिजिन हुआ, ठीक है। इसके अलावा अब इसके हम क्या देखते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, कि एंगलर और प्रिंटल की क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। जैसे हम लोगों ने बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े थे, अब हम एंगलर की क्लासिफिकेशन के पढ़ते हैं। आप लोग जब भी क्लासिफिकेशन करो तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे, जैसे कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं और किस किस के अंदर इनको रखा गया है, ठीक है। अब हम मेरिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो इनका पूरी जो करैक्टरिस्टिक्स होती है वो किसके ऊपर बेस होती है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ऊपर बेसिस होते हैं। मतलब ये कैसे टाइप की क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक टाइप की क्लासिफिकेशन है, मतलब आर्टिफिशियल टाइप की क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर हम बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो कैसे टाइप की क्लासिफिकेशन है, वो नेचुरल टाइप की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो ये एंगलर की क्लासिफिकेशन है वो क्या कर रही है कि पूरे के पूरे प्लांट का डिस्क्रिप्शन बताती है और क्या बताती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन की पॉइंट बताती है कि कौन सी फैमिली है, वो किस किस क्लास से बिलोंग करती है, किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, उसकी जीनस क्या है, उसकी स्पीशीज़ क्या है। ये सारे क्या है कि मेरिट्स है। इसके अलावा वो क्या बताती है कि एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है किसी भी प्लांट की, एनाटॉमी कैसी है, या फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आप लोग किसी भी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यू
डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हो कि कितनी फैमिलीज प्रेजेंट है, इसके कितने जेनरा प्रेजेंट है, कि ये फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या बताते हो कि उसकी मॉर्फोलॉजी बताते हो कि इसका हैबिटेट कैसा है, हैबिट कैसी है, रूट कैसी है, शूट कैसी है, स्टैम कैसी है। तो ये सारे कैसे पॉइंट हैं, ये सारे क्या होंगे, उनके मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट है। फिर आप लोग क्या बताते हो कि कैलेक्स का नंबर कैसा है, करोला का नंबर कैसा है, एंड्रोशियम का नंबर कैसा है। तो ये क्या होगा, उनकी एम्ब्रियोलॉजी होगी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में जो जो पार्ट्स यूज होते हैं वो कैसे कैसे टाइप के हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके पॉइंट हो गए, मेरिट्स के पॉइंट हो गए। नेक्स्ट मेरिट का पॉइंट क्या है, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म को इन्होंने एक सेपरेट ऑर्डर के अंदर डाला है और जो एंजियोस्पर्म है उनको एक सेपरेट ऑर्डर के अंदर डाला है। लेकिन अगर हम बेंथम और रुकर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बेंथम और रुकर ने क्या किया था जिम्नोस और एंजियोस्पर्म को, बताओ, पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से कुछ। बेंथम और रुकर की क्लासिफिकेशन में उन्होंने जिम्नोस्पर्म को कैसे डिफरेंशिएट किया था, हाँ तो क्यों रखा था, क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी, बताओ। क्योंकि उसने इसलिए रखा था क्योंकि जो भी जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी किससे मिलती होंगी, या तो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स एंजियोस्पर्म से मिलती होंगी मतलब मोनोकोट से मिलती होंगी, या फिर किससे मिलती होंगी, डाइकोट से। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जो जिम्नोस्पर्म है और जो एंजियोस्पर्म है उनको इक्विवेलेंट बताया था, मतलब कि जितनी हमारे लिए यूजफुल जिम्नोस्पर्म है उतने ही क्या है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या बताया था कि जो बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन थी वो किस में स्प्लिट्स हो रही थी, छोटी छोटी सब फैमिलीज के अंदर स्प्लिट्स हो रही थी, और वो कैसे टाइप की क्लासिफिकेशन थी, वो नेचुरल टाइप की क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एंगलर और पिंटल की बात करें तो उन्होंने क्या बताए थे कि एक सिंगल क्लास बताई थी, वो सिंगल क्लास क्या कर रही थी कि अपने कुछ सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड नहीं हो रही थी। ठीक है, ये सारे क्या है कि मेरिट्स हैं उसके क्लासिफिकेशन के। अगर हम डीमेरिट्स की बात करते हैं तो डीमेरिट्स क्या क्या है कि क्यों, क्या क्या डिसएडवांटेज है इसकी, तो डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि जो रेनिल्स है वो कैसा है, प्रिमेटिव टाइप का है। बट एंगलर ने क्या बताया कि जो रेनिल्स ऑर्डर है वो मोर एडवांस टाइप का है। आप लोगों ने रेनिल्स का एक एग्जांपल पढ़ा है, रेनिकुलेसी फैमिली। तो रेनिकुलेसी फैमिली कैसा है, रेनिकुलेसी फैमिली की बात करते हैं तो वो कैसे, किस कौन सी फैमिली का मेम्बर है, डाइकोट का या मोनोकोट का, डाइकोट का। तो ये क्या बता रहा है कि ये इसकी डीमेरिट्स है, क्योंकि पहली क्लासिफिकेशन ने क्या बताया था कि जो रेनिल्स है वो कैसे टाइप का है, प्रिमेटिव टाइप का है। लेकिन एंगलर की क्लासिफिकेशन ने क्या बताया कि जो रेनिल्स है वो कैसे टाइप का है, एडवांस टाइप का है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजन होता है, मतलब एंजियोस्पर्म का ओरिजन कैसा होता है कि सिंगल ओरिजन होता है। बट रिसेंट स्टडी से हमें ये पता चला, मतलब इन्होंने बताया कि जो एंजियोस्पर्म का ओरिजन है वो कैसा है कि मल्टीपल ओरिजन है, मतलब कि वो क्या है, अलग अलग अपने सब डिवीजन सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। लेकिन हमें ये रिसेंटली ये पता चला कि जो एंजियोस्पर्म है वो क्या करता है, एक सिंगल डिवीजन के अंदर डिफरेंशिएट होता है, वो कैसा है, मोनोफाइलेटिक टाइप का। अगर हम वैसे देखें तो वो क्या होता है कि अगर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएं तो हमें ये पता लगता है कि ये पॉलीफाइलेटिक होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला ओरिजन होगा एक सिंगल ओरिजन होगा, फिर उसके बाद मल्टीपल ओरिजन होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि एंगलर की क्लासिफिकेशन में ये उल्टा है, उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले मल्टीपल ओरिजन था, लेकिन जैसे जैसे एडवांस कंडीशन आती गई तो कैसा ओरिजन हो गया, मोनोफाइलेटिक ओरिजन हो गया। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज़ क्या बताई थी कि जो मोनोकोट्स हैं वो कैसे टाइप के हैं, प्रिमेटिव टाइप के हैं, और डाइकोट कैसे टाइप के हैं, एडवांस टाइप के हैं। लेकिन अगर हम बेंथम और रुकर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेंथम और रुकर ने क्या पॉइंट बताया था, बेंथम और रुकर ने क्या बताया था, बताओ भाई, बेंथम और रुकर ने क्या बताया था कि मोनोकोट पहले ओरिजिनेट हुए थे या डाइकोट पहले ओरिजिनेट हुए थे। तो यानी कि डाइकोट का ओरिजिन पहले हुआ था, मोनोकोट का ओरिजिन बाद में हुआ था, मतलब कि जो मोनोकोट हैं वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, डाइकोट से ओरिजिनेट हुए हैं। तो ये सारे क्या है कि आप लोगों के सिलेबस की दो क्लासिफिकेशन है, बेंथम और रुकर की और एक एंगलर की क्लासिफिकेशन, एंगलर और प्रिंटल की क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनके आप लोगों के एग्जाम्स में जितनी
रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है कि जितने भी पॉइंट बेंथम और रुकर ने अपनी नेचुरल क्लासिफिकेशन में दिए थे उसके अपोजिट पॉइंट किसने दिए थे, एंगुलर ने दिए थे। जितने भी उन्होंने अपनी सारी की पॉइंट्स बताए थे वो सारे के सारे उसके अपोजिट की पॉइंट किसने बताए थे, एंगुलर ने बताए थे। ठीक है, समझ में आ गया। वैलिड मोस्टली है ना, अगर हम बात करते हैं ना तो जो जैसे बेंथम और रुकर की क्लासिफिकेशन है वो मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप की है, मोस्टली उसी के बेसिस पे सारा किया जाता है। क्योंकि उसने जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना वो सारी अगर हम किसी भी फैमिली से अगर कंपेयर करें तो वो सारी के सारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बिल्कुल मतलब कि क्या हो रही है कि उस फैमिली के हिसाब से फैसिलेट हो रही है कि मतलब कि एक्सेप्टेड हो रही है। लेकिन अगर हम एंगुलर की बात करें उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो बहुत अच्छी बताई हैं, जैसे कि अगर हम डाइकोट की बात करें या फिर उन्होंने ये बताया कि जितनी करेक्टरिस्टिक जितना हमारे लिए जिम्नोस्पर्म इंपॉर्टेंट है उतना एंजियोस्पर्म भी है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म की भी जितने भी पार्ट्स हैं जैसे कि लाइक कोन्स की फॉर्मेशन हो रही है तो वो पार्ट क्या है कि इंपॉर्टेंट है। मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इक्विवेलेंट बताया कि ये एक प्लस पॉइंट था उसके क्लासिफिकेशन का। दूसरी चीज़ क्या है कि उन्होंने कुछ ओरिजिन बताया, जैसे उन्होंने ये बताया कि जो एंजियोस्पर्म है वो पोली नहीं होता, वो मोनो ही होता है, तो ये भी उनकी क्लासिफिकेशन का प्लस पॉइंट था। लेकिन जितने भी एक्सेप्टेड पॉइंट है वो कौन से है, बेंथम और रुकर की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ।